बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। बच्चों इस वीडियो से पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट के मेन एमसीक्यू पे डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू पे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही शानदार है और इसको देखोगे आप तो मोस्टली बच्चे गलती कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो लिखा हुआ है पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस। जैसे आपने बच्चों जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे पोटेंशियल के, हमारे पास क्या था, वर्क अपॉन में चार्ज, के क्यू बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। तो उसने पूछा है फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें जीरो कंसिडर करना है, और अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब देखो मोस्टली बच्चे गलती क्या करेंगे, वो देखेंगे फॉर्मूले पे v इक्वल टू कितना आएगा के क्यू बाय r। जैसे वो यहां पे आएंगे तो उनको क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर टू है, लेकिन यहां आते ही वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। अब वो क्यों होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्चुअली बच्चों एनसीईआरटी से पहले जो बुक थी हमारे पास उसमें डेरिवेशंस एक्स्ट्रा थे जो बहुत ही हेल्पफुल थे। एनसीईआरटी के आने की वजह से क्या हुआ, उसमें कई टॉपिक हट गए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो टॉपिक एवरग्रीन है, उनके जो न्यूमेरिकल्स थे क्वेश्चन थे वो भी क्या है, एवरग्रीन है। अब चलो बच्चों बात करते हैं इस बारे में कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट क्यों होता है। ठीक है, क्या होता है इसके पीछे रीजन। देखो बच्चों अगर आपको याद हो गॉस लॉ की हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन थी, क्या थी थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था, सरफेस पे थे चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पे थे तो हमारे पास तीन केस थे, आउटसाइड, सरफेस और एक क्या, इनसाइड। इनसाइड हमारे पास EFI जीरो थी, सरफेस पे हमारे पास क्या था, के क्यू बाय आर का स्क्वायर, और आउटसाइड हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये था। तो बच्चों ऐसी क्या था, पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी एक टॉपिक था पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन में होता है इन इंटीग्रल फॉर्म लाइक दिस। ये बच्चों इंटीग्रल फॉर्म थी, जब भी आपको पढ़नी डीप में नहीं है, बस समझना है इस बेसिस के ऊपर। बच्चों याद रखना इस स्फेरिकल शेल के लिए हमने जब डिराइव किया था किसको, पोटेंशियल को, तो ये पाया गया था कि आउटसाइड जो होता है पोटेंशियल वो कितना होता है, के क्यू बाय आर, और जो सरफेस होती है सरफेस, और जो होता है इनसाइड वाला पार्ट बच्चों, ठीक है, वहां पे भी कितना होता है पोटेंशियल, सेम रहता है के क्यू बाय कैपिटल आर। ये बात बच्चों आप नोट डाउन कर लेना आपके नोट्स में, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बात को आप भूलना मत, कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज है अगर है स्फेरिकल शेल तो उसकी सरफेस पे और इनसाइड जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आ रही है, रेडियस हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसलिए बच्चों वोल्टेज क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, इस पे कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बच्चों इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है वन मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। कैसे, एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं आपको, ये तो आप कर लेना नोट डाउन वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, आप ट्राई कर सकते हैं उस पर भी। क्वेश्चन जिसको जैसे ऐसे आएगा, ए स्फीयर या फिर ए स्फेरिकल शेल, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड द शेल is 2 volt, ठीक है,
देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सेंटर, एट सेंटर। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये उस कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। अगर एक नॉर्मल बच्चा जिसने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पढ़ रखे हैं तो वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा हमेशा। कैसे? इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस तो रखी है, चार्ज गिवन नहीं है, करना पड़ेगा फाइंड आउट, क्योंकि हमें आर फ्रंट दे रखा है टू वोल्ट। तो पहले वी गो टू में के क्यू बाय, आपने आर लिख भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है इस बात का, आपने चार्ज निकाल लिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने क्या पूछा, एट सेंटर। तो आपको समझना क्या है, अगेन वही कंसेप्ट आ गया कि सरफेस पे और इनसाइड जो भी होता है पोटेंशियल वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रेडियस का यूज कीजिए आप और इस वैल्यू से आप चार्ज को निकाल लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड पोटेंशियल वी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल होता है उनके बीच में जो रिलेशन है इन कंडीशन के बेस पे, ठीक है, कि कौन सा होना चाहिए। जैसे किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो वहां पर ई एफ आई भी क्या होगा, जीरो होगा। या ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पर वी इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा। या ऐसा कोई पॉइंट हो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पर वहां पे जो पोटेंशियल हो जीरो या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बच्चों आप समझ जाओगे, अभी अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उस केस में आप समझ गए होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है स्फेरिकल शेल के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड, तो हमने अभी क्या सीखा था, इनसाइड पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जीरो जरूरी है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये ऑप्शन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ये वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, कि भी पोटेंशियल ही जीरो हो जाए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्टेज वहां पे जीरो कांस्टेंट, हाँ ये मैच कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी है आराम से। अभी अपन ने जो एमसीक्यू फर्स्ट किया था उसके बेस पे ये क्वेश्चन गिवन है। देखो बच्चों, आप एक काम कर सकते हो, एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आपके काम में आएंगी। वैसे तो आपने अगर पढ़ा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर आप समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दो। अगर बच्चों मैं डायपोल बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये मेरे पास क्या है, उनका ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस ए है, यहाँ पर भी कितना है, ए है, ओके, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, डायपोल के दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस, में भी इस तरफ या में भी इस तरफ, ठीक है। तो बच्चों याद कीजिए, एक्सियल लाइन पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, ठीक है, वो क्या था, टू के पी अपॉन में कितना, आर क्यूब, ध्यान आपको। और जो पोटेंशियल था वी वो क्या था, के पी अपॉन में कितना, आर का स्क्वायर, और कैसा था हमारे पास, मैक्सिमम था पोटेंशियल जब तक, कौन सा, टू। आपके पास पोटेंशियल ड्यू डायपोल, ड्यू टू डायपोल में आपके पास रिलेशन था, याद कीजिए जरा, पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, केपी कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो डायपोल एक्सिस के लिए हमारे पास एंगल क्या फॉर्म हो गया था, जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, वो भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होने से पोटेंशियल भी कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो हमने यहां पे क्या लिखा, केपी बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों याद करो, इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, पास होती है, तो उसको हमने क्या कहा था, नॉन एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जस्ट हाफ था किसका, ऑन द एक्सियल लाइन पे, ध्यान है आपको, लेकिन जो पोटेंशियल था वो हमारे पास क्या था, जीरो, याद आ रहा है आपको, ठीक है। और बच्चों प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू बनाए थे आपको, मैंने उसमें समझाया था कि डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जस्ट क्या होता है, डबल होता है, टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। पर जब बच्चों पोटेंशियल आप करोगे फाइंड आउट ओरिजिन पे, तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बच्चों आपको देखो
वोल्टेज जीरो है पर वहां पे EFI जीरो नहीं है, तो ऑप्शन वन और टू तो वैसे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो थर्ड ऑप्शन था वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, देखो बच्चों, शिखावटी मिशन ने जो पीडीएफ फाइल लॉन्च की है उसमें जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन है चैप्टर नंबर टू के, उनमें मैं ये लास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में बाकी की जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल भी है, डायमेंशंस पूछी हुई है। ठीक है, तो वो कर लेना आप लोग। अगर किसी के पास पीडीएफ फाइल अगर नहीं आई है अभी तक तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो बच्चों, ये नेक्स्ट एमसीक्यू है जो बहुत ही प्यारा है। देखो इसने क्या लिखा, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर हो गया, देन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी, मतलब बच्चों अगर हमने कोई कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है और वो चार्ज हो चुका है, तो आपको ये बताना है कि अगर डायरेक्टिव मटेरियल जो है अगर उसको हम फिलअप करें बिटवीन द प्लेट्स, तो जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, यू इक्वल टू में कितना, हाफ सी वी का स्क्वायर, या फिर हम यू कहें क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना, टू सी। ठीक है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना उनके लिए ट्रैप है। कैसे, एक आमतौर पे हमने क्या सीखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टिंग मटेरियल द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो मोस्टली बच्चे क्या सोचेंगे कि यार कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कंफर्म है एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन पे बिना देखे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे बेवजह, जबकि ये रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चों याद रखना, कैपेसिटेंस जरूर इंक्रीज होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी है बच्चों वो हमेशा क्या होती है, रिड्यूस होती है, किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टिव मटेरियल के वजह से। ठीक है, इसको आप यहां से बच्चों समझ पाओगे प्रॉपरली, यहां से, या फिर अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपने देखा होगा डायरेक्टिव मटेरियल की प्रेजेंस के अंदर, बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस होता है बाय डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट 1/εr। ठीक है, और वोल्टेज भी क्या होता है, रिड्यूस होता है अगेन बाय सेम फैक्टर। ठीक है, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कैपेसिटर का, उसमें वोल्टेज को कम करके, ठीक है, हमने कैपेसिटेंस जरूर इंक्रीज किया था, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है कैसी आती है, कम आती है। मतलब हम जब स्टोर्ड एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, तो आप बच्चों पाएंगे कि हमारे पास रिजल्ट आता है कुछ ऐसा। ठीक है, UM इक्वल टू में कितना, यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, और UM क्या है, इट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, और यू नॉट का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टिंग मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ऑप्शन फोर तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कीजिए, और कोशिश करना बच्चों एमसीक्यू के लिए जो कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके भी आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, वैसे कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं इसलिए उनको मैं एमसीक्यू में शामिल नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर चाहिए बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपको सॉल्यूशन प्रॉपरली एक्सप्लेन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो उसी के साथ हम जब नया वीडियो लेके आएंगे चैप्टर नंबर थर्ड, तो उसमें अच्छे से एमसीक्यूज गिवन है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।